टेस्ट एंड ट्रैवल। तो आज हम लोग ब्रेकफास्ट बनाएंगे। ब्रेकफास्ट में बन रहा है पुट्टू, मलयालम में पुट्टू बोलते हैं। ऑयल फ्री है, ठीक है जी। तो चल के बनाते हैं पुट्टू। हाँ, तो ये कल हमने चावल भिगो के रखे थे। अब इसको जरा क्लीन कर लेते, पानी निकाल लेते, ठीक है जी। तो ये चावल आप या तो भिगो के रख सकते हो, कोई भी चावल यूज़ कर सकते हो। अभी तो हम लोगों ने केरला चावल यूज़ किया है यहाँ पे, ठीक है। अनपोलिश्ड राइस बोलते हैं इसको। उसके अलावा आप नहीं तो राइस का जो आटा है उससे भी बना सकते हो। उसका मेथड अलग है, ये अलग है। ओके, ये ईजिएस्ट वे में बना रहे हैं। तो चावल सूख गया थोड़ा बहुत, 5 मिनट रखा है। अब हम लोग इसको ग्राइंड करेंगे। तो इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो ग्राइंड प्रॉपर होगा नहीं। देखिए, जहाँ तक ब्लेड दिखना चाहिए थोड़ा सा, उस हिसाब से आप कीजिए, ठीक है। देखिए, ज़्यादा फाइन भी नहीं हुआ है। ज़्यादा फाइन नहीं हुआ तो भी प्रॉब्लम नहीं है, इसी हिसाब से आपको ग्राइंड करना है। हाँ, तो हमने यहाँ नारियल ग्रेट करके रख दिया है। हमें एक कुकर लेना है, कोई भी साइज़ का चलेगा। उसमें पानी थोड़ा रखना है स्टीम बनाने के लिए। और यहाँ पे चावल जो हमने कल भिगो के रखा था उसको ड्राई करके उसको ग्राइंड कर लिया है, ठीक है जी। और थोड़ा सा नमक चाहिए हमें, जो कि इसमें डाल देंगे टेस्ट अनुसार, ठीक है जी। यहाँ तो हाफ टी स्पून डाला हुआ है। और राइस यहाँ पर 3 मुट्ठी भर लिया था। और इसको फिलिंग करने के लिए हम लोग इस टाइप का है। नॉर्मल तो आपने एक पाइप जैसा देखा होगा लेंथ में, ये इसको चरटा पुट्टू बोलते हैं। चरटा पुट्टू मतलब चरटा मतलब मलयालम में ये इसको बोलते हैं, नारियल का जो कवर है। तो इसी शेप में आपको पुट फॉर्म होके मिलेगा, लेंथ में नहीं मिलेगा, इस शेप में मिलेगा। ओके, पानी गर्म करने रख दिया है। इसका ये ऊपर का सेफ्टी वॉल हम निकाल देंगे, विसिल। ये जब बॉयल होगा तो इसमें से स्टीम आना चालू होगा। तब हम लोग ये जो है शटरबुट का ये जो प्लेटफॉर्म है, ये इसके ऊपर इसमें होल है, देखिए, ये हम लोग इसमें प्लेस कर देंगे, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको चाहिए तो आप परचेज़ कर सकते हैं। पहले कोकोनट डालना है 1 लेयर, जैसे आपको चाहिए स्वाद अनुसार। उसके बाद फिर राइस, उसके बाद फिर से कोकोनट फिल करना। सो नीचे ऊपर सैंडविच जैसा आपने को करना है। हाँ, फिर राइस डालना है, ठीक है जी। अब उसको क्लोज करके जब इसमें से स्टीम आना चालू होगा तो हम रख देंगे। ये देखिए, अभी प्रॉपर इसमें से स्टीम आना चालू हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस प्लेटफॉर्म को प्लेस कर सकते हैं। उसमें नीचे एक नॉब दिखाया था, बस उसको इसके ऊपर रखना है। तो ये हमें कैसा पता चलेगा कि पका ही नहीं पका है? ये आपको ढक्कन खोलना नहीं है। ये जो आपको होल्स दिख रहे हैं, 2 या 3 होल्स दिख रहे हैं, इसमें से स्टीम आने लगेगा। अभी तो ये साइड से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, इसके अंदर से स्टीम आने लगेगा। ये देखिए, 1 मिनट भी नहीं हुआ, इसमें से स्टीम आना चालू हो गया, ये होल्स में से, देख रहे हैं आप। अब 2 मिनट हम लोग स्टीम आने के बाद, 2 या 3 मिनट आप रख सकते हैं पकने के लिए, फिर पूरा पक जाएगा। आपको ये ढक्कन खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद इसको पूरे वेसल को निकाल के साइड में 1 मिनट के लिए रखेंगे ताकि वो थोड़ा सेट हो जाए। उसके बाद ही प्लेट में सर्व करना, नहीं तो वो ब्रेक हो जाएगा, मतलब पूरा टूट के निकलेगा। ये हम लोग दूसरा फिलिंग चालू हो गया है। पहले राइस डाल दिया है, ठीक है जी। दूसरा कोकोनट की जगह हम लोग बनाना डालेंगे। ये देखिए, केरला का फिलिंग वाला, ये देख रहे हैं आप, बनाना फिलिंग किया है यहाँ पे। और ये कोकोनट का लेयर देखिए ये टॉप साइड में। केरला में तो कोकोनट बिल्कुल ज़्यादा डालते हैं लोग क्योंकि उनको वो पसंद है। आपके टेस्ट के अनुसार कीजिए, मैं तो कम ही खाता हूँ इसलिए थोड़ा कम ही डाला है इस वाले में। ठीक है जी, नॉर्मल ज़्यादा ही डालते हैं। हाँ तो दोस्तों ये देखिए 2 वैरायटी के पुट बनाए हैं, चट्टा पुट। ये देख रहे हैं आप, स्टीम देख रहे हैं, ये देखिए बहुत प्यारा दिख रहा है ये। और ये ज़्यादा मेरे को तो यही पसंद है केले वाला। ठीक है, ये आप देखोगे तो कोकोनट स्टफिंग रहेगा। ठीक है, तो ये बनाना वाला ज़रा टेस्ट करके देख लेते हैं। ये देखिए ऐसे स्टफिंग आता है। अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है, बनाना का फ्लेवर आ रहा है। मैं वापस से बता रहा हूँ, केरला वाला बनाना, सूरती बनाना यूज़ करना है। और जिसको नारियल पसंद है वो नारियल का फिलिंग ज़्यादा कर सकता है। स्टीम है, स्टीम से बनाया हुआ है, तेल इसमें यूज़ किया ही नहीं आपने देखा, तो हेल्दी फूड है। ये दूसरा पीस ले रहा हूँ, ये पूरा कोकोनट वाला है। देखिए कोकोनट वाला है। इसमें कोकोनट का टेस्ट ज़्यादा पूरा। इसी में इसको आप पापड़ के साथ खा सकते हो, चीनी मिला के खा सकते हो। बच्चे लोगों को, किसी लोगों को चीनी डाल के पसंद है खाना। चना करी के साथ खा सकते हो आप। ठीक है, केला इसमें डाल दिया, केले के साथ खा सकते हो। इसको बोलते हैं पुट, आप लोगों ने सुना ही होगा पुट है ये। इसका जो पुट मेकर है वो अलग अलग शेप का आता है। अभी तो चरटा वाले में हमने किया है, एक फनल टाइप का बड़ा वाला भी आता है पाइप जैसा। ठीक है, उसमें भी बना सकते हैं। ये वाला थोड़ा चीपर रेट में मिल जाएगा। अमेज़ॉन का लिंक में, इसमें अमेज़ॉन में मिल जाता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है जी, आप ये ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद आपको कैसे इसका टेस्ट लगता है, पसंद आया नहीं आया, या इसमें कुछ चेंजेस करना है, वो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइए। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब अपना ध्यान रखिए, बाय।